नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, तुम अंदर जाओ जी। आप भी अंदर चलिए ना। मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा आइए जी। अरे सोनम, ये सब क्या चक्कर है? तुम एक लड़की और सर को अंदर जाते हुए देखा? ये तो मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन ये औरत अलग अलग लड़कियों को लेकर सर के पास आती है, खुद तो बाहर बैठ जाती है और लड़की सर के साथ अंदर चली जाती है। और फिर लड़की बाहर कितनी देर बाद निकलती है? कोई 15 मिनट में निकल आती है तो किसी को आधा घंटा लग जाता है। ये सब क्या चक्कर है, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी, लड़की जब बड़ी हो जाती है तब वो औरत कहलाती है। नो 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 नो, आपने मेरे सवाल का जवाब कुछ ठीक नहीं दिया। आप मेरे हर जवाब के बाद इस तस्वीर की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये मेरी दादी है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी जब मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे वो मुझसे बातें कर रही है। एक आखिरी सवाल जी, औरत घर में दिया क्यों जलाती? अंधेरा दूर करने के लिए। सिर्फ अंधेरा दूर करने के लिए? हाँ, रोशनी करने के लिए, और क्या? वो दिया जलाने से रोशनी तो होती है, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि घर में दिया इसलिए जलाया जाता है ताकि घर में सुख आए, शांति रहे, लक्ष्मी बढ़े। आप समझ गई ना? देखिए, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ये लड़की भी मुझे नहीं। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे गलत समझ सकती हूँ? आप एक अनाथ लड़की से शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं, ये तो एक बहुत ही नेक काम है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मेरे अनाथ आश्रम में 350 लड़कियां हैं। जब तक आपको अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती, मैं बराबर यहाँ आती रहूंगी। शुक्रिया, मुझे लड़की में ज्यादा कुछ नहीं, लड़की पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और मेरा घर बसा सके, बस यही कुछ गुण चाहिए। रोको रोको भैया, यही रोको। आप टीचर अजय कुमार सक्सेना का घर बता सकते हैं? जी मैं ही अजय कुमार सक्सेना। मैं शिवनंदन अनाथ आश्रम से आई हूँ। मगर रोज जो औरत आती वो? जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कहिए। मैं एक लड़की दिखाने लाई हूँ, लड़की मुस्लिम है, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं जात पात धर्म वर्म नहीं मानता। आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अंदर चलिए, आइए। ये लो अपना इनाम, अच्छी एक्टिंग करने का, आप चलो फूटो यहाँ से। आपका नाम? सुल्ताना रजिया चमचम अनीस मचमच रजिया सुल्ताना बेगम। ठीक है मैं याद कर लूंगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछने की जरूरत कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बड़े शौक से, लेकिन मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ क्यों नहीं, पहले आप पूछिए। अच्छा तो ये बताइए, गाय बछड़े को जब जन्म देती है तो बछड़ा फौरन माँ का दूध पीने के लिए उसके स्तन को ढूंढ लेता है, उसे कैसे पता चलता है कि दूध वहाँ है? ये क्या सवाल हुआ? आप ही बताइए, जानवर तो बेजुबान होते हैं, हम इंसानों की तरह अपने बच्चे को बोल के बता नहीं सकते, फिर भी उनमें सोचने समझने की सहूलियत कैसे होती है? बिना बताए अपने माँ के स्तन से दूध कैसे पीते हैं? This is a very very simple question. अगर ये सवाल आप मुझ जैसे टीचर से पूछने के बजाय एक आम आदमी से पूछेंगे ना, तो वो भी उसका जवाब दे देगा। ये सब कुदरत के करिश्मे, यू नो, जानवरों के बच्चों का अपनी माँ के स्तन को ढूंढने का सेंस फिफ्थ सेंस कहलाता है, पांचवा। अच्छा तो ये बात है, जानवरों को 5 सेंस होते हैं, फिर भी कुदरती तौर पर उन्हें सब पता चलता है, और इंसानों में 6 सेंस होते हैं, फिर भी उनमें अकल ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत के आंचल में पलने वाला बच्चा जो बचपन से औरत को देखता आया है, समझता आया है, शादी के वक्त अचानक इतना ना समझ हो जाता है जो इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़ती है। बुरा नहीं मानना, मगर आप किसी स्टेनो या टाइपिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं जो आपसे ये कहे कि उन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस है तो आपको खुशी होगी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे शादी के 10 सालों का एक्सपीरियंस है तो क्या आप मुझे अपनाएंगे? अच्छा लगेगा आपको? आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, इट्स ऑल ओवर, क्लीन बोर्ड। नहीं, आप जरूर पूछिए, हो सकता है जो मैं नहीं जानती वो आप जानते हो, तो मुझे भी जान लेना चाहिए ना। ठीक है,
औरत घर में दिया क्यों जलाती है? मुश्किल सवाल लग रहा है ना? कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, आराम से सोच कर बताइए, और अगर फिर भी ना बता पाई तो मैं बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग टू यू। अलग अलग औरतें अलग अलग मकसद के लिए दिया जलाती हैं। एक गरीब औरत अपनी कुटिया को रोशन करने के लिए दिया जलाती है, एक तवायफ अपनी महफिल को सजाने के लिए, एक पुजारन भगवान को खुश करने के लिए, और एक घरेलू औरत इसलिए दिया जलाती है ताकि उसके घर में लक्ष्मी आए, शांति रहे और सुख बढ़े। गुड, वेरी गुड। एक आखिरी सवाल, आपको गाना आता है? क्यों नहीं आता होगा, तो शादी नहीं करोगे? नो, दैट्स द पॉइंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी जब काम से घर लौटता है तो वो चाहता है कि बीवी उसका मन बहलाए, उसके हाथ पैर दबाए। हाथ पैर भी दबाना पड़ेगा? औरत साथ कोई गुलाम होती है? अरे क्या? नाराज क्यों होती? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वैसे महीने में कुछ दिन ऐसे भी होते जब आप लोग आराम करती हैं। तो क्या आप उस दिन मेरे पैर दबाओगे? क्यों नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे गाना आता है। तो फिर गाइए ना। उसके लिए आपको खूबसूरत वादियों में जाना होगा। गुड। जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। वेरी गुड। जहाँ एक तरफ आसमान से बातें करते हुए पहाड़ हो तो दूसरी तरफ पानी का खूबसूरत झरना। हाँ, और हम 30-40 लड़कियों के बीच घिरे होंगे। वो जो तुम्हारे साथ औरत थी वो कहाँ गई? कोई खास बात कहनी है उनसे? नहीं, बस यही कहना था कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आपने तो अभी तक मेरी शक्ल देखी भी नहीं। शक्ल मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। आई डोंट बिलीव इन फेस। इंसान का दिल और उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए बस। आर यू श्योर? वेरी मच। शक्ल देखने के बाद अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? मेरा नाम अजय कुमार सक्सेना है। मैं एक बार किसी को जबान दे दूं उससे पलटता नहीं हूँ। थैंक यू सर। इसमें थैंक यू? सर ऐसे मत देखिए, आपने जुबान दी है, आप अपनी बात से हरगिज नहीं पलट सकते। सर प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए शादी करके। हाँ सर, हमारी सहेली का दिल मत तोड़िए, ये बहुत प्यार करती है आपसे। शट अप! अपने टीचर के साथ इस तरह की बातें करते, ऐसा बेहुदा मजाक करते, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों के माँ बाप तुम लोगों को इतना दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं सिर्फ हम लोगों पर विश्वास करके, क्योंकि उनकी नजरों में हम टीचरों की एक इज्जत होती है, एक मर्तबा होता है। बस आपकी स्टूडेंट हूँ, सिर्फ यही वजह है आपके इनकार की? हाँ, तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैं इनकार कर रहा हूँ। अरे बेटा तू क्या बचपना कर रही है, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्या बात है सर? बात क्या, वो तो मुझे नहीं मान रही कि स्कूल छोड़कर जा रही है। बेटी तूने अचानक फैसला क्यों किया? वो कौन सी चीज है जो तेरी पढ़ाई के बीच में आ रही है? पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? वैसे तो जिंदगी ज्यादा जरूरी है, लेकिन बस यूं ही समझ लीजिए कि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तू कैसी बात करती है बेटा, तू मेरी सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जया को समझाता हूँ। जया एक मिनट प्लीज। सॉरी मिस्टर अजय, अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ और स्टूडेंट ना रहूँ इसीलिए मैंने ये काम किया है। बस यूं समझ लीजिए, आज से मैं आपके लिए जया और आप मेरे लिए अजय, सिर्फ अजय। अजय बाबू आऊ, आज के बाद हमको आपकी और आपको हमरी परवाह करने की जरूरत कोनो नहीं है, और आज के बाद हम आपको तंग भी नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि कल हम शोभा टीचर के साथ आऊ करने वाले हैं। का करने वाले हैं? शादी। ई रहा हमरा शादी का कारण, आशीर्वाद देने जरूर आना। शोभा जी जरा ही आएंगी? अरे इका, अरे हमरी होने वाली जोरू है, इका कोने में काहे को ले जा रहे हो? स्कूल का जरूरी मैटर है शगुन, बस एक मिनट। आऊ? ये क्या सुन रहा हूँ मैं, शगुन आपका स्टूडेंट है और आप उससे शादी कर रही हैं? अजय बाबू, आज तक मुझे कई लड़के देखने आए लेकिन उन्हें शादी के लिए लड़की नहीं बैंक चाहिए। सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं, तुम दहेज में क्या दोगी? आपको मालूम है शगुन ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा तुम्हारे पास दिमाग है, तुम पढ़ी लिखी हो और मैं ठहरा अनपढ़, मेरे पास पैसा बहुत है,
मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसे तो सिर्फ मेरी शादी की रजामंदी चाहिए थी, सो मैंने हाँ कर दी। फिर भी शगुन आपका स्टूडेंट है। सो व्हाट अजय बाबू, किस कानून ने कहा है, किस किताब में लिखा है कि स्टूडेंट और टीचर शादी नहीं कर सकते? अरे शोभा, स्कूल मैटर में बात कर रही है, पर्सनल मैटर पे इतना वक्त काहे को लग रहा है शोभा? नहीं नहीं शगुन, बात हो गई। अजय बाबू आप जरूर आना। हाँ जरूर आना शोभा। क्या बात है सर, ये शगुन और टीचर साथ साथ क्यों है? मुझे सब पता है। अब आप क्या कहते हैं, जब देखिए तो टीचर स्टूडेंट करते रहते हैं। अब है आपके पास कोई जवाब? हाँ है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक टीचर अपने स्टूडेंट को भगा ले गया, और जानते हो स्टूडेंट के माँ बाप ने क्या किया? खुदकुशी कर ली। आज तक वो हादसा मेरे दिल में खटकता रहता। सवाल भी खुद ही करते हैं और जवाब भी खुद ही देते हैं। आपके दिल की बात आप जाने, मगर आज मेरे दिल ने ये फैसला किया है। ये है हमारे प्यार की पहली सीढ़ी। ये क्या तुम्हारे कमर का पट्टा है? ये मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र। इसकी इज्जत करना सीखो। देखो जया, मैंने प्रिंसिपल साहब से वादा किया है कि किसी भी तरह मैं तुम्हें मना लूंगा। ये फजूल की बातें छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपने इरादे पर अटल हूँ सर, मुझे आपकी पत्नी बनकर 75% मार्क्स लेने हैं। तुम किसी और से शादी करके 100% मार्क्स लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं आपको एक हफ्ते की मोहलत देती हूँ, आठवें दिन आपको ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाना होगा, वरना जो कहानी आपने मुझे सुनाई है उसे मैं दोहराऊंगी। क्या मतलब? यही कि आपके स्कूल का एक टीचर एक स्टूडेंट को भगा ले गया था और उसके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। अब आप अपने स्टूडेंट से शादी नहीं करेंगे तो वो इस समुंदर में डूबकर खुदकुशी कर लेगी और बदनामी होगी आपकी। अब फैसला आपके हाथ में है, बदनामी या मंगलसूत्र। गुड बाय। अच्छा नहीं किया जया, खुदकुशी की धमकी देकर सर को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। बेचारे कल से घर में ताला लगा के गए हैं, कहीं तेरे डर से शहर छोड़ के ना भाग गए हो। अरे नहीं नहीं, वो देखो लगता है सर आ गए। मगर स्कूटर के बजाय टैक्सी में क्यों? अजय बाबू अचानक आओ कर ले हो। नमस्ते भाभी, हमका बताया तक नहीं। अजय बाबू, ये कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छा जमाया, एक माली दो फूल। बधाई हो अजय। अरे क्या कर रही हो ये? अरे ठहरो तुम, रिवाज के मुताबिक जब नई दुल्हन घर में आती है उसकी आरती उतारी जाती है। रिवाज के हिसाब से लड़के वाले के रिश्तेदार आने वाली बहू को सोने के गहने भी पहनाते हैं। कौन करेगा इतने सारे रिवाज? मास्टर जी का अपना तो कोई है नहीं, लड़की पहले ही अनाथ है। मास्टर जी जल्दी में अनाथ आश्रम में शादी करके आ गए। बात जल्दबाजी अकेले होने की नहीं है मिश्रा जी, मैंने पहले से ही फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो किसी अनाथ से। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मगर रीत रिवाज निभाना भी तो जरूरी है। आज से हम अजय की पत्नी के रिश्तेदार। अजय बाबू, अरे पहले डिरामे भी ला लेते थे क्या? कब किसे घर में लाना है, कब किसे किसका किराएदार बनाना है, ये सुरताल का संगम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे मेरा कैलकुलेशन कुछ और कह रहा था, पर आपने तो कुछ और ही कर दिया। गुड इवनिंग सर, कंग्रेचुलेशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर और कहाँ जाओ? वाह 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 वाह, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किसी की पांचों उंगलियां घी में होती है और कोई घी को तरस जाता है। पानीपुरी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं जरा चाय भिजवाता हूँ। ए,
ये क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ। सुहागरात की सेज सजा रही हूँ ताकि आपको दूसरी बार याद रहे। दूसरी बार क्या याद रहे? जब मैं दुल्हन बनकर आऊंगी तो ये सेज खुद सजा कर रखिएगा। देखो जया, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी जल्दबाजी में शादी की ताकि तुम्हारा भविष्य खराब न हो और तुम दोबारा स्कूल जा सको। आपने शादी किसी लिए भी की सर, मगर अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। हमारे वक्त ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। ज्यादा बकवास मत करो नहीं तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, आई एम अ मैरिड मैन। आप एक शादी तो क्या, सात शादी कर लीजिए, तब भी मैं आपकी आठवीं बीवी बनकर इस घर में आऊंगी। ये मेरा वादा है सर। दिस इज माई चैलेंज। जज तुम हो और ये कोर्ट भी तुम्हारा है, मगर आज फैसला हम सुनाएंगे। हमारे भाई को अगर हमारे हवाले नहीं किया गया तो तुम्हारे सभी लोगों को मौत की सजा मिलेगी। यस ऑफिसर, क्या पोजीशन है? तकरीबन हमारे 100 आदमी अंदर फंसे हुए हैं सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जज साहब भी उनके कब्जे में हैं। सर प्लीज ऑर्डर सर। उसने कहा है कि हर आधे मिनट के बाद हमारे एक एक आदमी को मौत के घाट उतार देगा। आप जल्दी से कुछ फैसला कीजिए सर। अरे ओ मंत्री, मेरी रिहाई के सिवाय तेरे पास और कोई चारा नहीं रे। देख कैप्टन, छोटे को ऊपर लाया जा रहा है। छोटे मेरे भाई। नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, मेरे करीब मत आना। रोक क्यों गए कैप्टन? अपने भाई को साथ नहीं ले जाओगे? अब तो ये तुम्हारी आंखों के सामने है। तुमसे ही कुछ कदमों के फासले पर हिम्मत है तो ले जाओ इसे, ले जाओ। लेकिन याद रखो, इसे तुम यहां से जिंदा वापस नहीं ले जा सकते। इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। क्या समझते हो तुम लोग? अपने जिस्म में बम बांधकर जान देना सिर्फ तुम ही लोग जानते हो। हम भी जान देना जानते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए जान देते हो और हम अपने देश के लिए जान देते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। लगता है मैं बातों में फंसाया जा रहा है। कैप्टन! चाहते हो तो
मेजर आजाद कालीपुर से ट्रांसफर होकर जहां तुम जा रहे थे वहां तुम नहीं ये जाएगा।